हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डायमेंशन क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो काइनेमेटिक्स है उसे सॉल्व करेंगे। उसका ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले तीन पार्ट और बन चुका है, 10-10 क्वेश्चन करके सॉल्व किए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में दिया हुआ उसे देख कर समझें और अपने से सॉल्व करने का कोशिश करें। वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों और फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट के माध्यम से पूछें। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और चैनल में अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में ऑल को क्लिक कीजिए, फर्स्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31, एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टू मेजर द एक्सेलरेशन द पर्सन इन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। द कॉइन इज 6 feet अबव द फ्लोर of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. कुछ नहीं है, question एक elevator का है। मान लीजिए ऐसा एक elevator है, elevator मतलब lift। इसमें एक आदमी है और एक कॉइन पकड़ा हुआ है। एलिवेटर नीचे की ओर आएगा, ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है। तो नीचे की ओर जब आएगा विथ एक्सेलरेशन, सम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगा। तो जैसे ही कॉइन को गिराएगा, मानिए जब कोई लिफ्ट नीचे नहीं आ रहा है, सिंपल सा कॉइन गिराएंगे तो कुछ समय से गिरेगा। जब यही कुछ नीचे किसी एक्सेलरेशन से आएगा तब वो कॉइन गिराएगा तो कुछ अलग टाइम लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए ये जो कॉइन यहाँ से छोड़ा गया है, ये जी ग्रेविटी से नीचे आएगा, ड्रॉप किया गया है। तो अभी देख लें डाटा क्या क्या दिया गया है। गिवन डाटा, गिवन क्या क्या है, तो बोला गया है कि एलिवेटर अ पर्सन इन एलिवेटर ड्रॉप से कॉइन, ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 बोल दिया गया है। एट अ मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट द कॉइन इज 6 feet, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो तय करेगा 6 feet। ये 6 feet मीन्स करीब हो जाएगा 1.8 meter, ठीक है, और वही 2 feet के आसपास 1.8 meter होता है। अबव द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर और टाइम इसमें लगेगा 1 second, देखिए 1 second लगेगा, टाइम कितना लग रहा है 1 second। तो किसी एक्सेलरेशन जी से जो आ रहा है, तो माने इसका जब कुछ लिफ्ट का कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है, चुपचाप मतलब स्टेशनरी मोड में है, उस समय एक कॉइन को ड्रॉप किया गया तो उसका ग्रेविटेशन जी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। अच्छा, अब जब लिफ्ट चलने लग गया, ठीक है, तो लिफ्ट का अपना एक्सेलरेशन ए है, वही हम लोग को फाइंड करना है, ये एक्सेलरेशन फाइंड करना है। लेकिन जब ये चला तब इस कॉइन का जो एक्सेलरेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा, तो मान लेते हैं ए डैश हो गया, तो ए डैश किसके बराबर होगा, जनरली ए डैश जो अपेरेंट एक्सेलरेशन माने, अपेरेंट एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में दोनों है। जब सेम डायरेक्शन जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में करते हैं तो सेम डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी को हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, जैसे उसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन करेंगे तो एक्सेलरेशन जी डैश माइनस ए, तो हम लोग को ये फाइनल बन गया। एक्चुअल में अगर कुछ
अलग 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 कंडीशन देखा जाए कि नॉर्मली जी कॉइन को अगर ड्रॉप कराया जाए तो जी एक्सेलरेशन से गिरेगा, ठीक है, और जब लिफ्ट को नॉर्मली चलाया गया तो ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट चल रहा है, लेकिन जब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा तो जो कॉइन मैंने एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन इन रेफरेंस विथ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, तो वो हो जाएगा ए डैश, ठीक है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग को निकालना है ए निकालना है जी और ए इस क्वेश्चन से निकाल लेंगे ए डैश, और जी हम लोग को दिया हुआ है, जी तो पता है हम लोग का 9.8 होता है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डैश टी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यू तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये टर्म पूरा जीरो, तो एस का वैल्यू 1.8 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डैश, और टी का वैल्यू 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो ए डैश इक्वल टू 18 × 36 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया, मतलब ए डैश का वैल्यू 3.6 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहाँ ए डैश का वैल्यू 3.6 रख दिए, जी का वैल्यू हम लोग को पता है 9.8 होता है माइनस ए, अब ये क्या है एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट हो गया, तो ए इज इक्वल टू व्हाट, तो 9.8 माइनस 3.6, ये तो समझ में आ रहा है कि इसको माइनस को इधर लेके तो प्लस हो गया, ये 3.6 उधर लेके तो माइनस हो गया, ये करीब आपको हो जाएगा 6 × 8 = 6 × 2 ये 6.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आपका एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये फीट में दिया गया है, तो आपको भी निकालना होगा फीट पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को फीट में चेंज कीजिए, करीब आपका 6.2 × 3.3 के आसपास 3.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फीट पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्स देखिए, ये वैल्यू थोड़ा सा अप्रोक्स में है, तो आपको अप्रोक्स लेना है 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर का ऊंचाई पे, यहाँ से मानिए कोई छत में चढ़ गया है, छत से कोई बॉल को 100 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया विथ स्पीड, ठीक है, कितना 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, मतलब ऐसे चलेगा ऐसे ही गिरेगा, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ टाइम निकालना है, टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड, तो टी इज इक्वल टू 2h/g का रूट, रूट ओवर 2h/g फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे, हाइट दिया हुआ 100 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा, तो 2 × h का वैल्यू 100 और यहाँ 9.8 का रूट निकालेंगे, तो ये करीब आपका 4.9, तो हो जाएगा 10/7 इंटू रूट 10, करीब आपका 4.51 सेकेंड क्या अप्रॉक्स। और दूसरा हॉरिजेंटल रेंज, दिस इज द हॉरिजेंटल रेंज, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज, तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल है, डिस्टेंस ही एक तरह का हॉरिजेंटल रेंज क्या है, डिस्टेंस है, तो हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला होता है यू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू, हाँ, वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यू इनटू टी,
तो यू अभी आपका दिया हुआ 20 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से रूट ओवर 2h by g, तो इसका वैल्यू तो अभी निकाल चुके हैं 4.51। तो दो कम दो, 5 × 10 = 1, 4 × 8 = 9, 0, 90 point इतना मीटर, मतलब 90.2 meter का ये डिस्टेंस कवर कर लेगा, 90.2 meter, ठीक है। तो इसको हम लोग अप्रॉक्स 90 मान सकते हैं इस तरह से। तो ये थर्ड पार्ट जो है बनेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी v है, ये आपका vx, ये आपका vy, vx तो यहाँ से दिख रहा है 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अब vy हो जाएगा आपका v = u + at u + gt हो जाएगा, u चूँकि यहाँ पर 0 है तो = gt के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर करेंगे, vx आपका 20 का स्क्वायर प्लस vy gt हो जाएगा आपका, g होगा 9.8 और टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकाले 4.5, इसको करेंगे तो 44.1 के आसपास होगा, तो ये होगा 44.1 का स्क्वायर का रूट, तो ये हो गया आपका करीब 400, और इसमें भी 400 थोड़ा ज़्यादा होगा, रूट वगैरह करने के बाद जो इसका आंसर करीब 48.42 मीटर पर सेकंड का अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा रिजल्टेंट का। तो किस डायरेक्शन में ये हिट करेगा, तो मान लीजिए कोई एंगल बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू पी बाई 10 बीटा, 10 बीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, दैट इज पी वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स, तो बीटा इसमें वी वाई आपका 44.1 है और वी एक्स आपका 20 है, इसको काटने पर आपका 10 × 22.5 इक्वल टू 10 बीटा, बीटा अप्रॉक्स हो जाएगा आपका रूट 60 डिग्री का अप्रॉक्स, 60 डिग्री अप्रॉक्स, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग अप्रॉक्स 49 मान लेते हैं, तो 49 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हो जाएगा 60 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड या हॉरिजेंटल, फ्रॉम हॉरिजेंटल। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड सेकेंड है द रेंज ऑफ द बॉल। कुछ नहीं, बहुत इजी है क्वेश्चन, मानिए इस तरह से बॉल को फेंका गया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री से फेंका गया, तो इस केस में देखिए इस प्रोजेक्टाइल में आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट, कितना हाइट तक रीच किया, और रेंज निकालना है कितना, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, तो यू स्क्वायर होगी आपका, यू आपका दिया हुआ कितना 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, तो 40 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई 2 × 9.9, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया जी का वैल्यू आप 10 लेना है, 10 तो ये हो गया 1600, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4,
दैट इज 60 मीटर मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो 60 मीटर तक ऊंचा उठेगा बॉल। और रेंज निकालना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दैट इज 40 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, मतलब थीटा 60 डिग्री है तो 2 थीटा हो गया 120 डिग्री डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू 10, दैट इज 1600 इंटू, इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री इंटू 10 ख़त्म कर देते हैं, ये हो जाएगा 160 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रूट 3 बाई 2, दैट इज 80 रूट 3 इज द आंसर, 80 रूट 3 मीटर। मतलब ये रेंज जो है 80 रूट 3 मीटर तक हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 34, इन अ सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड फ्रॉम 10 फीट हाई गोल पोस्ट। गोल पोस्ट का हाइट दिया गया है 10 फीट का है, 40 यार्ड का दूरी से मारा जा रहा है। द गोल पोस्ट इज अटेम्प्टेड बाई किकिंग द फुटबॉल एट अ स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट। तो इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये मैक्सिमम कितना दूर तक जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ से देखिए कुछ कुछ चीज़ है चेंज वेंज करना है। पहला चीज 10 फीट का 40 यार्ड का डिस्टेंस से मार रहा, तो 40 यार्ड इक्वल टू 4 × 3 = 12 120 फीट के अप्रॉक्स 120 फीट मानते हैं, ओके। और जी का वैल्यू यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको फीट पर सेकंड स्क्वायर करना होगा, 3.22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 × 30 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, 10 से डिवाइड कर दिए 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और ये 64 फीट पर सेकंड का स्पीड से मारा गया है, और 10 फीट का गोल पोस्ट कहाँ लगा है पता नहीं, लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है गोल पोस्ट 120 फीट पर लगा है, तो ये जो मार रहा है, ये जो कंडीशन दिया गया है, एंगल भी है 45 डिग्री, मैक्सिमम रेंज वाला एंगल दिया है, तो ये कितना दूर तक बॉल को रीच करा सकता है, पहुंचा सकता है। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर 64 इंटू साइन 2 थीटा, मतलब साइन 90 डिग्री हो जाएगा, इसको 1 कर सकते हैं, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 बाई जी। जी का वैल्यू आपको यहाँ से देखिए 32.2 को 32 ही लेते हैं, तो इस तरह से देखेंगे तो 32 × 64 का हो गया 4 × 8 × 6 × 12 128 फीट तक पहुँचा सकता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है 128 फीट है, आप लोग का गोल पोस्ट कितना में है, तो 120 फीट पे है, तो मान लीजिए यहाँ कहीं गोल पोस्ट है। अब ये कितना हाइट पे है, मार के तो पहुँचा दे रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से पार हो जाएगा, कि कहाँ से पार हो रहा है। गोल होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, गोल पोस्ट का जो हाइट है 10 फीट उससे नीचे रहना चाहिए। तो इस ये वाला जो हाइट है इसको बोलेंगे वाई, ये हाइट हमको निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। क्यों, क्या मतलब, ये जो x डिस्टेंस 128 फीट मारा है, छोड़िए 120 फीट में हमारा जो गोल पोस्ट लगा हुआ है, 120 फीट दूरी तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो u cos थीटा जो है यही हॉरिजेंटल ही बात कर सकते हैं, हॉरिजेंटल रेंज जो कि ले रहे हैं, हॉरिजेंटल मोशन ले रहे हैं,
तो एक्स का वैल्यू हमारा यहाँ से 120 फीट है, 120 फीट है। यू कॉस थीटा, यू हो गया 64 और कॉस थीटा हो गया कॉस 45 से मारे हैं तो कॉस 45 डिग्री। कोई चेंज अभी, कोई गुना भाग नहीं करें, गुना भाग का सारा काम लास्ट में। तो ये टाइम हो गया, ठीक है। अब इस टाइम में ये वाई कितना होगा, तो ये वाई वाई इज इक्वल टू हॉरिजेंटल ही है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट यू वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू नॉट जीरो वाई नॉट जीरो, यू वाई जो है आपका यू साइन थीटा हो जाएगा, डेट इज़ यू साइन थीटा इंटू टी माइनस। अब जी जी जो है वो ऊपर है कि नीचे है, कहाँ पर है पता नहीं है, तो माइनस हाफ जी है ना, और टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ टी और यहाँ टी, ये दोनों में ये वाला वैल्यू को धर के पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, वेरी गुड, साइन थीटा इंटू 120 बाई 64, 64 भी तो यू ए है ना, यू कॉस, तो यू कॉस थीटा कर देते, ठीक है, माइनस हाफ जी इंटू यू यू बाई मैंने यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यों जी 120 का स्क्वायर कर दो, 120 इंटू 120 बाई यू 64 इंटू 64 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पर भी चेंज कर दीजिए, यू कॉस 64 इंटू कॉस 45 डिग्री। तो एक तरह से देखें तो ये हो जाएगा, वैल्यू में से पुट करते हैं, यू का वैल्यू 64 दिया हुआ है, 64 साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा, टेन थीटा टेन 45 की वैल्यू 1, ठीक है, इंटू 120 डिवाइडेड बाई 64, तो 64 ख़त्म, 120 माइनस हाफ जी का वैल्यू 32 इंटू 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 64 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, मैंने कॉस 45 इंटू कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2, ये ऊपर चल जाएगा इंटू 2, 64 दूनी 32, 2 दूनी 4 दैट इज 1 2 ख़त्म कर देते हैं इससे। इसको सॉल्व करने पे ये करीब आएगा 7.5 फीट के आसपास, मतलब ये जो बॉल है ये आपका 7.5 फीट से गुजरेगा और हम लोग का जो गोल पोस्ट है वो 10 फीट पे है, मतलब हॉरिजेंटली भी सही है, पार किया जा रहा है गोल पोस्ट को, और वर्टिकली भी आपका गोल पोस्ट के अंदर से ही पार हो रहा है, इसका मतलब ये गोल पोस्ट में ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली विच इज प्लेड विथ स्मॉल ग्लास बॉल्स कॉल्ड गोली। द गोली ऑफ वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर में एक प्लेयर है फ्रॉम द गोली ऑफ द अदर प्लेयर, मैंने दो प्लेयर के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। दिस सेकेंड प्लेयर हैज टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाई कीपिंग थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द प्लेस ऑफ हिज गोली होल्डिंग द गोली बिटवीन हिज टू मिडिल फिंगर एंड मेक द थ्रो। If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. If the height from which the goalie is projected is 19.6 cm from the ground and the goalie is to be projected horizontally, with what speed should it be projected so that it directly hits the stationary goalie without falling on the ground earlier? ये question गोली खेलने वाला question है। जो जो गोली खेला है वो आराम से क्वेश्चन को समझ गया, बना भी लेगा, और जो नहीं खेला है वो भी बना लेगा। तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है,
दो प्लेयर है, एक प्लेयर गोली रखा हुआ, दूसरा प्लेयर गोली से फिंगर से गोली को फंसा के प्रोजेक्ट करेगा, तो सर्टेन हाइट एज ए थंब रख के हाइट निकाला जाता है। मानिए इस ये ग्राउंड लेवल है और इस हाइट से मानिए ये एच हाइट है, एच दिया हुआ आपका 19.6 सेंटीमीटर दिया हुआ। इस एच हाइट से इसको प्रोजेक्ट किया गया एक दूसरा गोली जो कि यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इस गोली को ये जो गोली है ये ऐसे जो प्रोजेक्ट हुआ तो इसको हिट कर जाए, ठीक है। ये रेंज दिया हुआ है 2 मीटर, आपको यहाँ इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन आंसर इतना छोटा सा है, कैसे देखिए रेंज का फॉर्मूला। तो ये कौन सा प्रोजेक्शन है, ये है आपका हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन है। अभी तक जो ट्रायल मोशन नहीं पढ़े हैं तो आई बटन दे दिए हैं, आई बटन में जाकर हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन एंगुलर प्रोजेक्शन सारा डिटेल्स में दिया हुआ, जाकर उसको देखिए और समझिए। तो यू इज इक्वल टू आर, इज आर रेंज है कितना दूरी पे गिरेगा, आर रेंज इज इक्वल टू यू रूट ओवर 2h/g। ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन का ही फॉर्मूला होता है। तो इसमें रेंज दिया हुआ 2 मीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, इसको चेंज कर लीजिए 19.6 × 10⁻²⁻² में आ जाएगा। तो u निकालना कितना स्पीड से हम इसको फेंके, रेंज दिया हुआ 2 मीटर, रूट ओवर 2 × 19.6 × 10⁻²⁻² / g का वैल्यू 9.8, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया करें तो 9.8 इसको 2 से हो जाएगा क्रॉस, ये हो जाएगा यू 4 / 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा u × 2 × 10 इज इक्वल टू, ये रेंज 2 है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 10/2, 2 खत्म, दैट इज 10 m/s, 10 m/s इसका इनिशियल वेलोसिटी। मतलब अगर जिस वेलोसिटी से ऐसे मार रहे हैं दूसरे गोली को, तो ये अगर 10 m/s से कम होगा तो वो उस गोली को हिट नहीं कर सकेगा, या ज़्यादा होगा तब भी नहीं कर सकेगा, क्रॉस कर जाएगा। तो आपको मैंने वेलोसिटी जो है वो 10 m/s रखना होगा। 36 बोलता है फिगर शोज 11.7 feet वाइड डिच विथ अप्रोच रोड्स एट एन एंगल ऑफ 15 degrees विद द हॉरिजेंटल, व्हाट मिनिमम स्पीड शुड अ मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड सो दैट इट सेफली क्रॉसेस द डिच। अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द बाइक इज 5 feet एंड इट लीव्स द रोड when the front part runs out of the approach road। मतलब ये यहाँ से बाइक कैसे आएगा और इसको कुदा देना है, एक गड्ढा है, डिच है 11.7 फीट का, तो ये बाइक रोड को छोड़ेगा तब जब इसका पिछला चक्का इसको छोड़े, तो ये ऐसे ऐसे जंप करे और यहाँ आ जाए। तो मतलब 11.7 और ये पिछला चक्का रहे, दैट इज 5 feet और उसमें ऐड करना पड़ेगा रेंज में। तो ये इसका रेंज है, ये रेंज है और ये मिनिमम रहा, ऐसा नहीं कि उड़ के एकदम बहुत ऊंचा से कूद रहा है, वैसा नहीं, मिनिमम लेना है। तो देखिए मिनिमम स्पीड निकालना है, तो स्पीड कम रहेगा तो कम ही कूदेगा, ज़्यादा स्पीड रहेगा तो और ऊंचाई से कूदेगा। तो इसमें रेंज जो है ये डिच का लंबाई और प्लस बाइक का लंबाई, डिच का होगी 11.7 प्लस बाइक आपका 5 feet का है, 5 feet का बाइक है और 11.7 feet का डिच है, तो होगी आपका 16.7 feet। अब जब फीट में दिया है तो जी को भी फीट में निकाल लेते हैं, 9.8 m/s² जो है ये आपका 32.8
3.32 होता है एक फीट मीटर में, तो हो जाएगा 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर के आसपास। तो अप्रोक्स ले लेते 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा और क्या दिया हुआ है, और हम लोगों को निकालना है इसका यू, निकालना है यू, फाइंड आउट करना है। तो ये वाई एक्सिस में कितना जाएगा, तो वाई का फॉर्मूला हो गया वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाय टू यू स्क्वायर। ये है वाई के, वाई एक्सिस के लिए। तो वाई का मिनिमम कितना करना होगा, मतलब यू का मिनिमम लेने के लिए वाई मिनिमम करना पड़ेगा। वाई मिनिमम मतलब जीरो ले लेते हैं, वाई का मिनिमम वैल्यू जीरो। तो फॉर यू मिनिमम वाई शुड बी जीरो। तो वाई को हम लोग जीरो ले लिए, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू ये पूरा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू यू स्क्वायर। ये पार्ट इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई टू यू स्क्वायर। ये माइनस ख़त्म, तो ये हो गया प्लस। अब हमको टू यू स्क्वायर निकालना है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई टू यहाँ रहेगा और एक्स टेन थीटा। अच्छा यहाँ देखिए ये एक्स और ये एक एक्स ख़त्म हो जाएगा। अच्छा इसको तोड़ कर लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं वन बाई जी एक्स हो गया, ये सेक को लिख सकते हैं वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये टू पहले का टू, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक टू कॉस थीटा ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। तो जी एक्स ऊपर रह गया वैसे ही, और टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया साइन टू थीटा, ठीक है। तो यू स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से निकल गया यू स्क्वायर इक्वल टू जी एक्स बाय साइन टू थीटा। तो यू इक्वल टू व्हाट, यू इक्वल टू रूट ओवर जी एक्स बाय साइन टू थीटा। अब देखिए जी का वैल्यू यहाँ से निकल लिखा हुआ है 32.2 फीट में, फीट पर सेकंड स्क्वायर। एक्स एक्स मतलब ये रेंज कितना दिया हुआ है 16.7, और साइन टू थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 15, तो टू थीटा हो गया 30, तो साइन 30 डिग्री इसका रूट। तो ये हो गया 32.2 इंटू 16.7 बाई साइन 30 की वैल्यू 1.2। इसको कैलकुलेट कीजिए, अप्रॉक्स आपका 32 पॉइंट समथिंग आएगा, 32 फीट पर सेकंड आप ले सकते हैं। मतलब यू के वैल्यू कितना आया 32 फीट पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37 है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 171 फीट हाई एज हैज टू थ्रो अ पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 228 फीट हॉरिजॉन्टली अवे। इफ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग द फ्रेंड विथ अ स्पीड ऑफ 15 फीट पर सेकेंड हाउ शॉट द पैकेट फॉल। देखिए ये क्वेश्चन जो है इस तरह से है कि एक पर्सन जो है वो 171 फीट के हाइट पर है यहाँ पर, ठीक है। और
पता नहीं ये प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है कि नहीं, ठीक है, इस तरह से थ्रो करता तो इसके फ्रेंड के पास यहाँ पहुँचता, तो इसका इस तरह से थ्रो वो नहीं किया है, ठीक है। इसका फ्रेंड यहाँ पर है, कितना 228 फीट के हाइट डिस्टेंस में ग्राउंड लेवल पे। तो ये अपना फ्रेंड को डायरेक्ट इस तरह सोचा कि एम करके पहुँचा देगा, डायरेक्ट एम कर दिया, ठीक है। अब इसका एम करने से क्या होता है, साइंस तो प्रोजेक्टाइल मोशन साइंस में जो है वो तो अपना अपना जगह स्थिर है, तो ये जो है कुछ इस टाइप का फॉल कर जाएगा, तो यहाँ पर कहीं गिरी है। तो ये क्वेश्चन मांग रहा है कि ये डिस्टेंस कितना निकालना है इसको, ठीक है। तो ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल इसके बराबर होगा, जो कि वो कम एंगल से जिस एंगल से फेंकना चाहिए था उसके माइनस करके हम लोग फेंके हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग टेन थीटा, देखिए ये डायग्राम को यहाँ पर छोटा में बनाए हैं, वह 171 फीट और 228 फीट, इससे हम लोग निकाल सकते हैं ये एच है, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के जस्ट टाइम को सेव करने के लिए मैंने इसे पहले ही सॉल्व कर दिया है, 228 का स्क्वायर प्लस 171 का स्क्वायर, तो इसमें हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा 285, दैट इज 285 फीट इसका डायरेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू 171 पी बाई बी, 171 बाई 228, और हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में फॉर्मूला जो देखे हैं, वर्टिकल हाइट वाई जो है, वाई ये निकालना था, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2u स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसमें वाई क्या है, वाई इज वाई 171 फीट है। अब क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में अपवर्ड डायरेक्शन में था, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस लेना होगा वैल्यू, ठीक है। ओके, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद कर लीजिए इसको 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। ओके, और यू आपका दिया हुआ फीट में ही दिया हुआ है, यू है 15 फीट पर सेकंड। तो इससे हम लोग देखिए सॉल्व कर रहे हैं, वाई के वैल्यू हम माइनस पुट किए माइनस 171, एक्स का एक्स रहने दिए, टेन थीटा के वैल्यू यहाँ से लिख लिया 171 बाई 28, माइनस 32.2 जी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, एक्स कहाँ पर गिरेगा, दिस इज एक्स, ये एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर इसे निकाल सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, एच हो गया 285 बाई बी हो गया 228, 285 इंटू 285 और 228 बाई 228, ये हो गया आपका पूरा सेक स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर 15 इंटू 15। ये एक तरह से देखिए अब ये पूरा टर्म एक्स स्क्वायर के साथ, ये पूरा टर्म x के साथ, ये पूरा टर्म, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूरा टर्म को इधर लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर आपका x का वैल्यू जो है वो 35.78 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जब इसको एम करके फेंका गया तो ये चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन काम कर रहा है तो ये आपका 35.78 फीट में ही गिर गया, सामने ही गिर गया। तो क्वेश्चन ने पूछा हाउ शॉर्ट द पैकेट फॉल, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिजायर्ड क्वेश्चन में ये इक्वेशन मांगा है, ये डिस्टेंस मांगा है, कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस जो निकाल रहे हैं इज इक्वल टू कितना शॉर्ट कर गया, तो 228 माइनस 35.78, इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा 192 फीट अप्रोक्स, 38। A ball is projected from a point on the floor with a speed of 15 meter per second at an angle of 60 degree.
15 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन विदाउट हिटिंग द फ्लोर। ठीक है, पहला पार्ट इतना बोलता है। दूसरा पार्ट बोलता है विल द आंसर डिफर इफ द वॉल इज 22 मीटर अवे। क्या आंसर डिफर होगा? तो पहला पार्ट में हम लोग को दिया है 5 मीटर अवे में, देखिए ऐसा है 60 डिग्री के एंगल से बॉल को फेंके हम लोग 60 डिग्री का एंगल से, 60 डिग्री का एंगल से, और कितना स्पीड से, तो स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो रेंज ही निकालना है। रेंज R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ/g। सिंपल है फॉर्मूला, u का वैल्यू दिया हुआ 15 मीटर पर सेकंड, 15 × 15 यू स्क्वायर हो गया साइन 2θ, एक थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, 2θ हो गया 120 डिग्री, दैट इज साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, जी का वैल्यू 9.8। यहाँ तक में कुछ नहीं है, बस इसका आर का वैल्यू निकाल दीजिए, 15 × 15 = 225, साइन 120 हो गया आपका साइन 90 + 30 डिवाइडेड बाय 9.8, 90 + 30 साइन 90 + 30 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8, 225 × cos 30 के वैल्यू हो गया √3/2, 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आपका आंसर अप्रॉक्स 19.8 मीटर, 19.8 मीटर आपका रेंज है, मतलब यहाँ से फेंके तो 19.8 मीटर तक जाएगा। अब पहला पार्ट में बोलता है वॉल जो है वो 5 मीटर अवे है, तो टकराएगा, तो जरूर टकरा जाएगा, तो 5 मीटर में है, फेंकने का उसका रेंज है 19.8 मीटर। दूसरा चीज़ वॉल ये नहीं बोला कि कितना लंबा कितना ऊंचा है, तो हम लोग इसका ऊंचाई को जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, मतलब ये टकराना ही है। दूसरा चीज़ दूसरा पार्ट में बोलता है विल द आंसर डिफर इफ द वॉल इज 22 मीटर अवे। यहाँ पर अगर है 22 मीटर माने 19.8 ही मीटर है और वॉल उससे दूर 22 मीटर पे है, तो क्या हिट करेगा? तो हिट नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला वाले में यस हिट कर जाएगा और दूसरा वाले में हिट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट। इट इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, मैक्सिमम हाइट तो ये हो गया, दिस इज मैक्सिमम हाइट, इसका हाफ यहाँ कहीं, ये जो होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इसका कंपोनेंट निकाले तो ये अगर u वेलोसिटी से फेंका गया है तो ये थीटा एंगल थीटा के साथ u cos थीटा, इधर u sin थीटा, तो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो इसमें चेंज नहीं होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। u cos थीटा इस पर क्या होगा? u cos थीटा इसमें चूंकि अपवर्ड जा रहा है तो ये हो गया u sin थीटा, और इसमें डाउनवर्ड आ रहा है तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा। तो अगर दोनों का एवरेज देखा जाए, एवरेज फाइंड द एवरेज वेलोसिटी मांगा है, तो एवरेज वेलोसिटी इस दो पॉइंट के बीच का अगर मांगना जाए निकाला जाए तो ये देखेंगे कि u sin थीटा यहाँ प्लस डायरेक्शन में, यहाँ u sin थीटा आपका माइनस डायरेक्शन में, तो
तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और इंटरनल कंपोनेंट यू कॉस थीटा बी में भी है और ए में भी यू कॉस थीटा है, तो दोनों का बीच का एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड करते हैं दो से। तो एवरेज वेलोसिटी ए बी का यू कॉस थीटा प्लस यू कॉस थीटा बाई टू, दैट इज यू कॉस थीटा एवरेज वेलोसिटी 40। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली विथ यूनिफॉर्म स्पीड सो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द बॉम्ब बिलो द प्लेन। इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विद यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजेंटली। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सर्टेन हाइट में कोई एयरक्राफ्ट एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से यह कुछ वेलोसिटी में होगा, यहाँ से एक बॉम्ब ड्रॉप करा दे तो ये यहाँ पर जाके ब्लास्ट करेगा। तो ये जो रेंज है, ये क्वेश्चन बोलता है कि प्लेन उड़ के यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक, इसके नीचे ब्लास्ट होगा बम। तो ये कैसे होगा, देखिए रेंज जो है, रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज इक्वल टू यू इनटू रूट ओवर 2h बाय g। और ये प्लेन चूँकि u वेलोसिटी से चल रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन इज इक्वल टू u इंटू सम टाइम t। यहाँ भी ये क्या है, ये जब अगर u इंटू ये 2h बाय g जो है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो एक तरह से देखें तो ये प्लेन यू टी डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक पहुँचेगा, उतने ही टाइम में ये बॉम्ब जो यहाँ से रिलीज किया गया था वो यहाँ तक ग्राउंड में पहुँचेगा, और ये ब्लास्ट ठीक इसके नीचे ब्लास्ट करेगा। पहला पार्ट तो हो गया, समझ में आ गया। दूसरा पार्ट बोलता है इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विद यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजेंटली। अगर हॉरिजेंटली मूव नहीं कर रहा है प्लेन, क्या किया यहाँ पर ऐसे बॉम्ब रिलीज करके वर्टिकल डायरेक्शन पकड़ लिया या फिर सम एंगल ले लिया, तो बॉम्ब तो यहाँ रिलीज ड्रॉप ब्लास्ट करेगा लेकिन प्लेन कहीं दूसरे जगह पर रहेगा, ठीक है। तो ये था पार्ट 4। कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, कमेंट के माध्यम में बताइए। अगर कुछ सीखने मिला, अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।